तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल का एक नया अपडेट बताने वाला हूँ, जो कि आफ्टर वन यू 6.0 आने के बाद मेरे मोबाइल में मिल रहा है। सैमसंग A52s में जब वन यू 6.0 अपडेट आया, उससे पहले गूगल जो गुडलक वाली ऐप होती है उसमें एक मॉड्यूल नहीं आ रहा था मेरे मोबाइल में एज लाइटिंग करके, जो कि अपडेट होने के बाद मिल रहा है। तो ये कैसे यूज करेंगे और क्या इसमें हो सकता है सब मैं आगे आपको बताऊंगा A52s के लिए और जितने भी डिवाइस जिन पे ये सपोर्ट करता है एज लाइटिंग, उसके बारे में आपको आज आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी यार और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ गुडलक के नए मॉड्यूल के बारे में, जो कि A52s में मिलेगा आफ्टर वन यू 6.0 अपडेट। उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर गुडलक वाली ऐप में चले जाना है, गुडलॉक वाली ऐप यहाँ पर आपको चले जाना है गुडलॉक वाली ऐप में। गुडलॉक वाली ऐप में देखेंगे तो आपको एक नया यहाँ पर मिल रहा होगा एज लाइटिंग करके, जो कि पहले नहीं आता था, अभी रिसेंटली ये आपको दिख रहा है। आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है डाउनलोडिंग पे। जैसे आप इस पर डाउनलोडिंग, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करूँ, आपको यहाँ पर डाउनलोडिंग पे क्लिक कर लेना है। डाउनलोडिंग पे क्लिक करने के बाद डाउनलोडिंग होता रहेगा। अब यहाँ पर बात करें नए नए फीचर, कस्टमाइज द एज लाइटिंग स्टाइल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, कहाँ गया, इंस्टॉल हो गया है ये। अब मैं इसको पहले आपको ले जाऊँ उसके गैलेक्सी स्टोर में, तो आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर के अंदर। आप यहाँ पर आप देखेंगे व्हाट्स न्यू, अभी नया लेटेस्ट अपडेट आया, इसके डिस्क्रिप्शन पे आया। तो कस्टमाइज द एज लाइटिंग स्टाइल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन व्हेन रिसीविंग नोटिफिकेशन, कोई भी रिसीविंग नोटिफिकेशन होगी तो आप उसकी जो लाइटिंग है उसको इन्हांस कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं कुछ कीवर्ड के थ्रू। यूज्ड ओनली व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ, और जब भी आपका मोबाइल ऑफ ही होगा जब ये यूज हो। चेंज इमेज टू ऐप आइकन, इमेज को आप ऐप आइकन में डाल सकते हैं। और चेंज ऐप लॉन्च मेथड फ्रॉम नोटिफिकेशन पॉपअप, डबल टैप टू लॉन्च ऐप प्रिवेंट शोइंग नोटिफिकेशन, मतलब बहुत कुछ है यार इसमें नया। तो आप देखेंगे कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए इस तरीके से ये काम करता है। तो इसको कर लिया अपन ने डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद अब यहाँ पर आ गए, ठीक है, इसको ऑन कर लिया। तो इसको ऑन करते हैं, आप देखेंगे फर्स्ट टाइम जब इसको ऑन करेंगे तो इस तरीके से इसका लेआउट आएगा और ये सब चीजें यहाँ पर मिल रही है। सबसे पहले आपको मिल रहा है यहाँ पर इसको ऑन करने का ऑप्शन। जैसे ही आप ऑन करेंगे यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा अबाउट इन्फो होगा, यहाँ पर सबसे पहले मिला है सेट कन्फर्म, क्या लिखा है, सॉरी सेट कस्टम स्टाइल। तो आपको इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारे कस्टम स्टाइल्स मिल जाएंगे। पहले बहुत कम रहते थे, अब इतने सारे आपको स्टाइल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। जौन सा भी आपको स्टाइल चाहिए वो पसंद कर लो, उसमें जाएं, उसके बहुत सारे आपको कलर्स मिल जाएंगे, कलर्स डाल सकते हैं जो भी आपको कलर डालना है। एंड एडवांस में जाएंगे तो उसमें और भी कुछ इफेक्ट्स डालना हो तो वो यहाँ पर आप एड ऑन कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। इसमें साइज में भी आप मीडियम साइज चेंज करना और रोटेट चेंज करना सब चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये फ्यू मैनी देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको कुछ इस तरीके से कोई भी मैसेज आएगा तो ऐसा दिखाई देगा। ये हो गया, आपने इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने का स्टाइल बाय कीवर्ड, तो आप यहाँ पर कीवर्ड भी डाल सकते हैं कि जैसे कि कोई अगर मैसेज करे और उसमें अगर सनी लिखा हो तो उसके अंदर नोटिफिकेशन टाइटल सनी लिखा हो तो उसके अंदर क्या आ जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर सनी लिख के डाला और जब भी कोई सनी लिख के कोई मैसेज करे तो उसके अंदर कैसा इफेक्ट आए, तो मुझे लाइक मुझे ये वाला इफेक्ट आ जाए या ये वाला इफेक्ट आ जाए, और उसका कलर हो ये कलर आए उसके अंदर, और एडवांस में जाए तो एडवांस में इतने सारे ये यहाँ पर ऐसे करके ये दिखाई दें, ठीक है। और मैंने डन कर दिया, और जब भी कोई सनी नाम से कोई नोटिफिकेशन आएगी तो ऑटोमेटिक वो ऐसा दिखाई देगा। शो ऐप आइकन इनसाइड ऑफ कस्टम स्टाइल इमेज, मतलब कि कोई भी ये, मतलब ये जो आपने कीवर्ड लगा दिया ना, अब जब भी मेरा मोबाइल ऑफ रहेगा कोई नोटिफिकेशन आएगी तो ऐसी शो होगी, वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे आएगा। शो ऐप आइकन इनसाइड ऑफ कस्टम स्टाइल इमेजेस, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, शो ऐप आइकन इनसाइड ऑफ कस्टम स्टाइल इमेज, तो यहां पर आप क्या होगा, चेंज द स्टाइल इमेज। अब कोई भी नोटिफिकेशन जो आएगी ना उसकी इमेज की जगह आपके पूरी ऐप आएगी वहां पर, ऐप आएगा इनसाइड ऑफ कस्टम स्टाइल इमेज, सॉरी कोई भी अगर किसी ऐप की नोटिफिकेशन आएगी ना तो वहां पर वो इमेज में दिखाएगा, ऐप का आइकन नहीं दिखाएगा, वहां एक अच्छी सी इमेज वहां पर आपको दिखाई देगी। जैसे दिख रहा है लिखा है ना, शो ऐप आइकन इनसाइड ऑफ कस्टम स्टाइल इमेज,
कस्टम चेंज अ स्टाइल इमेज टू ऐप आइकन ऑफ द नोटिफिकेशन रिसीवर, रिसीव होगी जो भी नोटिफिकेशन उसके अंदर आप ऐप आइकन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक फीचर दिया गया, इसको ऑन कर लेंगे तो ये जब ही काम करेगा जब आपका मोबाइल ऑफ हो, तो आपको अगर ऐसा करना हो तो आप इसको ऑन कर ले। उसके बाद यहाँ पर है डबल टैप टू ओपन ऐप, मतलब कि डबल टैप टू ओपन ऐप, डबल टैप टू ब्रीफ पॉपअप नोटिफिकेशन टू द व्यू द नोटिफिकेशन। अगर कोई नोटिफिकेशन आ रही है आप उस पर डबल टैप करेंगे तो आप डायरेक्टली पॉपअप व्यू में उस नोटिफिकेशन को देख पाएंगे, आपको उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये ऑप्शन भी अच्छा है। प्रिवेंट स्वाइप डाउन, प्रिवेंट पॉपअप विंडो फ्रॉम रनिंग बाय स्वाइप डाउन एक्शन। पहले क्या होता था, आप डायरेक्टली क्यों नीचे करते थे तो पॉपअप विंडो खुल जाती थी, तो उसको लॉक करने के लिए उन्हें यहाँ पर एक एडवांस फीचर दे दिया गया है। अब बात करें इसको यूज कैसे करें, अब इसको यूज करने के लिए मैं एक मोबाइल लेके आता हूँ, फिर उसको यूज करके देखते हैं। फाइनली दोस्तों पूरी तरह से हो चुका है सेटअप। अब कोई नोटिफिकेशन आएगी तो आप देखेंगे कैसे ये नोटिफिकेशन आ रही। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन नॉर्मल तरीके से ऐसे दिख रही है, जैसे कि मैंने वहां पर सेट आउट कर रखा है, वो व्हाट्सएप से नोटिफिकेशन आई है तो व्हाट्सएप की तरह दिख रही है, वहां पर नॉर्मल हाई लिखा है। और अगर मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर हाय सनी, तो आप देखेंगे अब कैसी नोटिफिकेशन का स्टाइल चेंज हो जाएगा। जैसा कि वहां पर एड ऑन किया है, नोटिफिकेशन का स्टाइल सेट हुआ क्योंकि वहां पर सनी आया और नोटिफिकेशन का स्टाइल सेट हो गया। अब यहां पर बात करें इसमें नए फीचर्स और क्या क्या एड ऑन किए गए, मान लो मैंने यहां पर फिर नोटिफिकेशन कोई भेजी और अगर आपको इसको देखना है तो आप सिंपल यहाँ नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो ये पॉपअप में खुल जाएगी और स्क्रीन आप यहाँ पर डायरेक्टली मैसेज देख पाएंगे। अब इसमें एक नया फीचर और एड ऑन कर दिया गया है, आप चाहें तो उसको डबल टैप करके फुल स्क्रीन पे भी दे सकते हैं। कोई मैसेज आया आपने यहाँ पर डबल टैप किया और डायरेक्टली आप स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे और डायरेक्टली वहां पर आप देख सकते हैं। तो ये है एज लाइटिंग वाला फीचर जो कि बहुत शानदार लगा, जिस ऐप की नोटिफिकेशन आएगी और वो बैकग्राउंड में वहां पर रन होगा, बहुत शानदार लग रहा है यार ये फीचर, मुझे बहुत शानदार लगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम में फेसबुक पर डीएम करके ही पूछ सकते हो। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूले। तो थैंक यू।